हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और अपना खूब अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने भी टाइम आपको दिखा दिया है, 10:20 के करीब हो रहा है। तो इस बीच में मेरा बहुत सारा काम मैंने कर डाला है। सुबह में झाड़ू पोछा ये सब हो चुका है। ये जो सब्जियाँ आई हुई थी आज ना, बैंगन और मौसम्बी मैंने मंगवाई थी, फ्रूट्स बिल्कुल ख़त्म हो गए थे घर पे। खीरे ये आज के नहीं है, ये कल के थे, तो उसको भी मैंने धो ही दिया है। सुबह में ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई थी रोटी। तो देखिए, हम लोगों का ब्रेकफास्ट तो हो ही गया है 10:30 बजे हमारा। इतना जल्द देर से हम लोग नहीं करते, ब्रेकफास्ट हमारा हो जाता है 9 to 9:15 के बीच। और भिंडी थोड़ी सी मैंने भुजिया बनाई थी भिंडी की, बस उसी के साथ मैंने किया था ब्रेकफास्ट। और इस बारिश ने लो जीना हराम करके रखा है। मतलब धूप तो हो ही नहीं रही है, अभी कपड़े सुखाने में भी आफत आ जा रही है। देख सकते हो आप, हैंगर में सारी रात इसी तरह से एक रूम में पंखे के नीचे रखना पड़ रहा है। और ये देखिए बेटे की शूज़, कल की व्लॉग आपने देखी होगी, तो कल मैंने इसको धुला था, अभी तक ये सूखी नहीं है। सारी रात मैंने इसको बाहर ही छोड़ दिया था। और वेदर आप देख सकते हो आज का, तो कंटिन्यूसली थोड़ी थोड़ी करके बारिश अभी होती रह रही है हमेशा। मतलब बाहर, घर से बाहर निकलना भी नहीं, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है कि घर से बाहर निकले। थोड़ा छुट्टी का दिन है आज, तो वैसे संडे का दिन है, सैटरडे भी हम लोग कहीं नहीं जा पाए थे इस बारिश के कारण। तो देखिए अभी फटाफट से लंच बना लूँगी। लंच में सिंपल सी आज फ़िश करी बनाऊँगी मैं और दाल बना दूँगी। फ़िश फ्राई हो चुके हैं, मसाला भी रेडी हो ही रहा है। तो सरसों, लहसुन और जो है हरी मिर्च और थोड़ा सा जीरा डाल के इसको जो पेस्ट कर दिया था, और ये अभी भुन चुका है। अब इसमें टमाटर डाल दूँगी। टमाटर का पेस्ट अलग से करके रखा है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ के रखा है, थोड़ा सा दिक्कत होता है इस तरह से रिकॉर्डिंग करने में। तो ये देखिए, ये सिर्फ टमाटर का पेस्ट है, तो भी इसको इसमें डाल दूँगी। और मुझे आपके साथ आज एक जो है नई चीज़ शेयर करनी है, तो व्लॉग में अंत तक बने रहिएगा। और रिक्वेस्ट करूँगी आपसे, अगर मेरे ब्लॉग में कुछ भी अगर आपको अच्छा लगता हो ना, तो जाते जाते लाइक कर देना, शेयर कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और अपना ढेर सारा प्यारा प्यारा सा कमेंट छोड़ना भी ना भूलें। इधर लंच के लिए जो है दाल और राइस तो मैंने बना ही ली है, दाल बस अभी बाकी है। और ये जब फिश करी बन जाएगी ना, उसके साथ ही साथ मैं इधर जो है दाल भी चढ़ा दूँगी। दाल में थोड़ा सा एक छोटा मीडियम साइज़ का आलू कट करके दे दूँगी, और एक थोड़ा सा गाजर, क्योंकि अलग से और कोई सब्ज़ी मैंने बनाई नहीं है, तो बस दाल में ही इसी तरह से शॉर्टकट में करती हूँ। तो संडे का दिन है, तो फिर भी काम तो रहते ही है घर में। ऐसा नहीं कि छुट्टी के दिन मतलब ऐसे ही लेटे रहो, सोते रहो, फ़ोन देखते रहो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे काम तो 365 days 24x7 चलता ही रहता है। तो अभी जैसे बारिश का मौसम है, तो कपड़े भी सुखाने में आफत आ जाती है, तो एक्स्ट्रा काम रहते ही हैं। और घर में साफ़ सफाई थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है बारिश के मौसम में। इधर 2-4 बर्तन जो थे उसको मैंने धो लिया है। वैसे सुबह के ब्रेकफास्ट के जो भी बर्तन निकलते, मैं उसको संग संग ही धो लेती हूँ, जमा करके कुछ भी नहीं रखती। तो अभी मेरे सारे बर्तन धुल चुके हैं ब्रेकफास्ट बनाने के बाद। तो सुबह वही उठी थी मैं 6:15 के करीब, और उसके बाद जो है काम स्टार्ट कर दिया था मैंने। लेकिन सुबह से मैंने कैमरा सेट नहीं किया था। और ये देखिए अभी फ़िश करी बन के तैयार हो चुकी है, बहुत ही सुंदर इसका कलर आया है। टमाटर देने से वैसे ही कलर आ जाता है अच्छा। और इधर मैंने दाल चढ़ा दी है, साथ ही साथ एक हरी मिर्च और नमक और हल्दी के साथ इसको चढ़ा दिया है। और नहाना पूजा करना सब कुछ मेरा हो ही गया है। और इधर जो है दाल में बस अभी लगा लूँगी तड़का। तो जीरा डाल दिया है, एक सूखी लाल मिर्च को डाल दूँगी, सिंपल सा तड़का लगाऊँगी। तो आज जो है तबीयत थोड़ी सी और सुधार है, क्योंकि लास्ट 2 दिन का व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो मैंने शेयर की थी क्या प्रॉब्लम चल रही थी, तो अभी थोड़ी सी राहत है उससे। और अभी दाल में तड़का लगा दूँगी ना, तो मेरा इधर लंच का जो है वो सारा कुछ हो जाएगा प्रिपरेशन। जब भी मैं तड़का लगाती हूँ ना, तो इतना जोर मतलब छिटकता है ना जीरा, और आज भी मेरा हाथ जल गया। मतलब इतना जोर छिटका ना, आपने देखा होगा ब्लॉग में ध्यान से अगर, तो इतना जोर छिटका ना कि उंगली जल गई मेरी अभी तो तुरंत। और गुस्सा भी आता है मतलब बीच बीच में,
जितना भी ध्यान से कर लो, इधर उधर से पानी से पानी के छींटे आते ही रहते, मतलब बर्तन वगैरह धो के जो रखती हूँ ना, थोड़ा बहुत पानी की बूंदे रह जाती है ना, तो उसी से बस छिटकने लगता है। और मेरा ध्यान था एक्चुअली रिकॉर्डिंग पे ना, तो इसलिए थोड़ा सा हो गया, जल्दीबाजी में हो जाता है ऐसा। और मेरे साथ ये अधिकतर होता ही रहता है, मतलब इधर कभी जलेगा, कभी फ़िश फ्राई करो, दाल फ्राई करो, कुछ भी तड़का लगाओ, तो कुछ ना कुछ जलना ही है, तो मेरा चलता ही रहता है। और इधर किचन को भी जो है बीच बीच में पोंछती रह रही थी, अभी फाइनली एक बार और जो है अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और फिश मैंने एक बर्तन में ट्रांसफ़र करके रख दी है, और दाल को इधर कर दिया है मूव। तो उधर का जो है अभी ओवन, उसको मैं अभी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, मतलब थोड़ा थोड़ा करके करती रहती हूँ, ताकि एक ही साथ जो काम का बर्डन मुझे ना लगे। तो अभी ना ये कैबिनेट को भी अच्छे से पोंछ लूँगी, ये तो मेरा डेली का काम रहता है, अभी नहीं तो रात को मैं करती ज़रूर हूँ, क्योंकि पानी के छींटे फिर रह जाते हैं, तो वो फिर अच्छे नहीं लगते देखने में। हाँ, कैमरे में आपको पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि डार्क कलर है, लेकिन नज़दीक से पता चलता है, तो इसलिए पोंछना इसको ज़रूरी रहता है। वैसे भी अगर आप डेली बेसिस में इसको पोंछते रहेंगे ना, तो एकदम नीट एंड क्लीन बढ़िया सा चकाचक सा रहता है हमेशा। तो इन सब कामों के लिए, जो डेली के साफ़ सफाई वाले होते हैं, इन कामों के लिए आपको सिर्फ 10 मिनट का ही टाइम देना पड़ता है, और लगे हाथ अगर कर लिया जाए तो सारा दिन के लिए फ्री हो जाएंगे। और फिर डस्टिंग का जो काम है वो तो हल्का फुल्का सुबह मैं कर ही लेती हूँ, लेकिन ये जो किचन में खाना बनाने का जो है ना, ये जब तक तो पूरा कम्प्लीटली बंद ना हो जाए खाना बनाना ना, उसके बाद ही मतलब ये जो है पोंछने का काम वगैरह रह जाता है। एक ही बार लंच बनाने के बाद ही ये पूरा किचन में अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। इधर नहा के जब निकली थी तो कपड़े मैंने फैलाए नहीं थे, अभी मैं कपड़े फैला लूँगी, क्योंकि मैं जब नहा के निकलती हूँ मैं अपने कपड़े जो है वो रेगुलर बेसिस पे हाथ से ही धो लेती हूँ। तो ये मेरी शुरू से आदत रह गई है कि अपने कपड़े मुझे हाथ से ही धो लेने होते हैं, और जमा करके रखती नहीं हूँ। ये जो कुर्ती मैंने डाली हुई है, इस तरह की जो कुर्ती वगैरह होती है जो बाहर मार्केट वगैरह जाने के लिए, ये सारी चीज़ें मैं वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, लेकिन जो मतलब घर में पहनती हूँ वो मैं हाथों हाथ जो है नहाने के बाद वॉश कर लेती हूँ, और उसको जमा करके नहीं रखती। वैसे भी वेदर ऐसा है ना, तो जमा करके रखो तो फ़ायदा क्या है, मतलब सूखते ही नहीं है कपड़े, इसीलिए। तो बस इसको फैला दिया है, बस इतना सा ही काम बचा था। और उधर तो मेरा किचन का काम भी ऑलमोस्ट डन है। मैं आपसे ना आज एक चीज़ शेयर कर रही हूँ, फ्लिपकार्ट से मैंने ना एकदम अफोर्डेबल प्राइस में दो कुर्तीज़ ऑर्डर कराई थी, तो कॉटन की कुर्ती है, बहुत ही बढ़िया कपड़ा का क्वालिटी है, मैं आपको दिखाऊँगी, पूरा ब्लॉग देखना। अभी भी है, मतलब अगर आप चाहो ना तो फ्लिपकार्ट में जाके आप भी ऑर्डर करा सकते हो, एकदम रीज़नेबल और अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा, इतनी बढ़िया क्वालिटी, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे उम्मीद ही नहीं थी इतने सस्ते प्राइस में इतना अच्छा कपड़ा मिल सकता है। तो पिक्चर में तो पर समझ में नहीं आ रहा था, मैंने सोचा कि एक बार ऑर्डर करा के देखते हैं, जब तक हाथों से छू के ना देख लूँ, मुझे ना तसल्ली नहीं होती है कि कपड़े कैसे निकलेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी ही देर में, ब्लॉग में बने रहिएगा। तो ये जो सोफा वाला रूम होता है ना, इसकी चादर बस रह गई थी, तो इसको मैं अभी लगे हाँ जो है बिछा लिया, अभी आज नई चादर फिर से निकाली, मतलब धुली हुई चादर, नई नहीं बोलूँगी, धुली हुई चादर मैंने बिछाई है, क्योंकि इतनी चींटियाँ परेशान कर रही है इन दिनों कि क्या बताऊँ आपको, सुबह शाम दोपहर रात हर समय चींटी ही चींटी, यानी कि जब बिस्तर पे सोने भी जाओ उस समय भी चींटियाँ कहाँ से आ जाती हैं। दवाइयाँ भी दी जा रही हैं लेकिन कोई असर ही नहीं होता इन लोगों पे। तो
और इतनी साफ़ सफाई से सब कुछ करो। लेकिन मुझे तो लगता है जैसे कि फ्लैट में ज़्यादातर ऐसा हो रहा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं ना फ्लैट में, तो कहाँ से कौन सी चीज़ें कोई गिरा देता है, इधर उधर से चींटियाँ आ जाती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि घर के अंदर ही कुछ ना कुछ गिरी हो तभी चींटियाँ आती, ऐसा नहीं है। सराउंडिंग भी हमारे जो है ना, जो जैसे रहते हैं मेंटेन जैसे करेंगे लोग, वैसे ही रहेगा। मुझे तो लगता है कि वैसे ही कुछ होगा, ही आसपास के लोग ही ऐसे इधर उधर से गिरा देते होंगे, जिसकी वजह से चींटियाँ इतनी परेशान कर रही हैं। तो ये देखिए, अभी बारी आती है आपको वो चीज़ दिखाने की, ये दो कुर्ती। तो ये दोनों कुर्ती को मैंने जो है रख लिया है, रिटर्न करने का कोई सोचा ही नहीं मैंने। एक बार में ही मैंने खोला तो मुझे पसंद आ गई, और बिल्कुल कॉटन की है ना। मैं कॉटन की चीज़ें और रेयॉन की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पहनती हूँ, जॉर्जेट बहुत ही कम पहनती हूँ मैं। अभी मतलब कुछ सालों से रेयॉन और कॉटन के ऊपर ना मेरा मतलब दिल आ गया है, अच्छा लगता है, इतना कंफर्ट देता है ना कि मैं क्या बोलूँ। और थोड़े से ढीले ढाले मंगवाए हैं मैंने, मीडियम साइज़ का मंगवाया है, क्योंकि एकदम टाइट फिटिंग कपड़े भी मैं नहीं पहनती हूँ, मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है। थोड़ा सा एक इंच अगर ढीला रहता है ना तो मुझे थोड़ी सी राहत मिलती है, नहीं तो मुझे लगता है जैसे कि कोई किसी ने मेरा गला दबा के रखा है, इतना घुटन लगता है। एकदम टाइट फिटिंग ड्रेस मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने जो कुर्ती भी डाली हुई है ना, ये भी बिल्कुल भी टाइट नहीं है, ये भी थोड़ी सी लूज है, देख के आपको पता चल गया होगा। अच्छा, ये जो कलर का मंगवाया, ये ब्लैक एंड वाइट कलर का है, ये प्लाजो स्टाइल में पैंट है, और ऊपर की कुर्ती ना घेर है बहुत ही अच्छा सा, आप देख पाओगे। तो इसको मैंने पहन के भी दिखा दिया है, पूरा व्लॉग आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। वैसे तो मतलब ऐसे देखने से भी नहीं पता चलता, जब तक कि आप उसको डालो नहीं अपने आप पे तो पता नहीं चलता है। ठीक, इसका प्रिंट भी बहुत अच्छा लगा मुझे, और नीचे लेस लगा हुआ है। वैसे मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी थोड़ी देर पहले, और एक पैकिंग मैं उसको खोल रही हूँ, आप ही के सामने मैं खोल रही हूँ। इसके पहले से भी मैंने नहीं देख के रखा है, ये आज ही आई हुई थी, कुछ देर पहले ही डिलीवरी आई हुई थी जब मैं खाना बना रही थी उसी टाइम में। तो मैंने सोचा नहीं, मैं आप लोगों के साथ ही खोलूँगी इसको, और आप लोगों को ब्लॉग में ये चीज़ शेयर भी करूँगी। तो अगर आपको भी अच्छी लग रही है ना, तो जल्दी से जल्दी फ्लिपकार्ट में जाइए और वहाँ से ऑर्डर कीजिए। ये दोनों कुर्तीज़ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, फिर शायद ये जो है प्राइस अप डाउन होता ही रहता है। तो ये देखिए, ये एक और कुर्ती है, ये वाइट कलर में आएगी, और पूरी में प्रिंट है, ऐसा नहीं कि पूरा ही वाइट है, प्रिंटेड है ये। तो ये तो उठने से रहा, मतलब ये प्रिंट जो है नहीं जाएगा, वैसे तो वॉश मैंने किया नहीं है, लेकिन लग रहा है मुझे जैसे देख के, ये तो प्रिंटेड कपड़ा ऐसे भी जो है निकलता नहीं है। ये तो एक्चुअली क्या बोलूँ, जरी वाला ऐसा तो कुछ है नहीं ना, ये तो कपड़े के ऊपर नॉर्मल सा प्रिंट है। तो ये तो जाने से रही, बस जब इसको धोगी ना उसके बाद मैं आपको एक बार और फीडबैक दूंगी कि धोने के बाद कैसा रहा। तो मैंने जैसे ही निकाला, इसका सबसे पहला चीज़ जो मुझे पसंद आया वो है कपड़ा। तो अगर कोई चीज़ बदन में डालो, ऐसे कपड़े या बदन में डालो जो डाल के आपको एकदम मतलब सुकून मिले, और ऐसा कलर हो जो आँखों को सुकून दे, और इससे बेहतर और क्या चाहिए, है ना। ये दोनों की दोनों कुर्तियाँ बहुत ही मस्त है, तो मैं तो ज़रूर आपको रेकमेंड करूँगी, एक बार फ्लिपकार्ट में जाइए और ऑर्डर कीजिए अभी के अभी। तो ये दोनों ही कुर्ती समर्स के लिए जो है बेस्ट होने वाली है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इस कुर्ती का पैंट दिखाया, अभी ये कुर्ती है ऊपर की। दोनों साइड आपको देखिए डोरियां मिलेंगी, और ये जो है पूरा, ये जो स्लीव है ये फुल स्लीव है, देख सकते हो, हाथों में भी बहुत ही अच्छा काम आएगा। मतलब ये रिस्ट के थोड़ा सा ऊपर तक मेरा आ रहा है। तो इसकी साइज़ है मीडियम, थोड़े से इसमें धागे निकले हुए हैं, बस इसको कट कर दूंगी, और इसमें और कुछ ऐसे डिफेक्टिव तो कुछ निकला नहीं, बहुत ही अच्छा निकला। ये क्वालिटी का कपड़ा A1 है, बस इसको जो है कैंची से काट दूंगी, एक्स्ट्रा जो धागा निकल जाता है ना, बस वही है और कुछ नहीं। तो नीचे आप देख सकते हो दोनों तरफ से मतलब
कटिंग किया हुआ है और इधर मतलब डोरी भी लगाई हुई है। चाहो तो आप लगा सकते हो, लेकिन मैंने जब पहना ना तो एकदम मुझे फिटिंग आई, डोरी लगाने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो बहुत ही बढ़िया फिटिंग आई इसकी। और घर में भी सभी को पसंद है, हस्बैंड को, बेटा भी बोल रहा था मम्मा बहुत अच्छा लग रहा है। तो समर्स के लिए ना मैंने मंगवा के रख ली है, बहुत ही बढ़िया है ये तो। और हमारे इधर कोलकाता में ना मतलब गर्मी का समय बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए मुझे ये सारे कपड़े बहुत ज़्यादा लगते भी है, जैसे रेयन हो गए, कॉटन हो गए, तो ये सारे कपड़े ना मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं। तो ये देखिए स्ट्रेचेबल है ये पैंट, इसकी बहुत ही बढ़िया प्रिंट है, पूरे में प्रिंट है, देख सकते हो, मरून एंड ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन का है ये, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा मिला है। तो बस अभी मैं ना फटाफट से आपको पहन के दिखा देती हूँ, और अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट करके बताना कौन सी कुर्ती मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, वो कमेंट करके बताइएगा, और किन किन लोगों ने ऑर्डर करवाया वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए हाथों में बहुत ही अच्छी लेस लगी हुई है, और इसका कपड़ा का क्वालिटी, मैं तो मतलब फ़ैन हो गई, बहुत ही बढ़िया है। और ये भी देखिए इसमें भी इलास्टिक लगे हुए हैं, तो कोई झंझट ही नहीं पहनने की, ना डोरी है ना कुछ, नाड़ा बांधने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस ये इलास्टिक दिए हुए प्लाजो आराम से डाल लो, कुर्ती डाल लो, ये मार्केट वगैरह जाओ हल्के फुल्के, आप बच्चों को स्कूल से लाने जा रहे हो, स्कूल पहुँचाने जा रहे हो, तो ये सब कुर्ती ना बहुत काम आती है उस टाइम में। तो अभी तो मुझे ये सारी चीज़ें तो अभी और चाहिए ही, जैसे जैसे आदि बड़ा हो रहा है ना, उसका स्कूल ये सब तो लगा ही रहेगा, तो ये सब कुर्तियाँ इसलिए मैंने मंगवा के रख दी हैं, तो मुझे काम आएंगी बहुत ही ज़्यादा। तो चाहो तो आप इसको घर में भी पहन सकते हो आराम से, कोई अगर घर पर आ गए गेस्ट तो ये पहना जा सकता है। अगर आप कम्फर्टेबल कुछ कॉटन में ढूँढ रहे हो ना, तो इस तरह की कुर्ती बेस्ट है आपके लिए, एक बार आप जाके तो देखो फ्लिपकार्ट में, मज़ा आ जाएगा, मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगी। तो बस थोड़ा सा ना इसको साइड में मैं स्टिच करा दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा लूज़ मुझे लग रहा था, एकदम टाइट फिटिंग भी नहीं करवाऊँगी, थोड़ा सा लूज़ करवाऊँगी। और हाथों की जो है लेंथ आप देख सकते हो, दोनों हाथों की लेंथ आप देख सकते हो, तो ये बस इतना सा ही मुझे जो है मारना है, स्टिच करना है, बाकी तो ये फ्लेयर्ड जैसा ही लुक आ रहा है इसका, एकदम मस्त है, एकदम बढ़िया वाली कुर्ती, एकदम अफोर्डेबल प्राइस में अगर आप बोलो तो ये दोनों एकदम मस्त है, मुझे तो बहुत पसंद आई। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं रखती हूँ यहीं तक, और मिलती हूँ आपसे जल्दी न्यू व्लॉग को लेकर, तब तक के लिए आप और अपनी फैमिली का खूब अच्छे से ध्यान रखना, मेरा व्लॉग यूँ कंटिन्यू देखते रहना, और ढेर सारा प्यारा प्यारा सा कमेंट छोड़ना भी ना भूले। तो मिलती हूँ आपसे जल्दी न्यू व्लॉग को लेकर, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टाटा एंड टेक केयर।